नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल न्यूज लाइव 18 पर। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरें। दुनिया में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, पर यही भगवान जब गलत को सच बोलकर मरीज की जिंदगी से खिलवाड़ करें तो क्या होगा। एक गरीब आदमी बच्चा का असहनीय पेट दर्द से परेशान उठता है तो लाचार पिता शहर के डॉक्टर को दिखाता है तो वह रक्त आदि जाँच कराने को कहते हैं। मरीज को नजदीक के ही अरियंत सिटी स्कैन पर सोनोग्राफी सेंटर ले जाया जाता है, जहां रिपोर्ट में बताया जाता है गठान किडनी में होना तथा पथरी होना बताया गया। रिपोर्ट से परिवार वाले घबरा गए, डॉक्टर की सलाह लेकर ग्वालियर ले गए। शिशु रोग विशेषज्ञ ने दिखाया तो उन्होंने फिर से जांच कराने को कहा। जब आवेदन ने जाँचें कराई तो सभी जाँचें सामान्य पाई गई। इन सबसे परेशान आवेदक का कहना है, जब मेरे साथ इस तरह से गलत जानकारी देकर इलाज किया जाता है तो ना जाने कितने लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया गया होगा। मेरा नाम बीरन सूत्रकार है, मैं मऊ रोड खादी आश्रम के पास का निवासी हूं। 16 तारीख को मेरे बालक को पेट में दर्द हुआ। दर्द होने के कारण मैं अरिहंत अल्ट्रासाउंड सेंटर पर जांच कराने गया। जांच होने के पश्चात अरिहंत सोनोग्राफी के संचालक डॉक्टर शुभांशु जैन द्वारा जो रिपोर्ट दी गई उसमें इनने पथरी एवं किडनी में गठान होना बताया गया, तो इसके कारण हम घबरा गए और घबराहट में हम इसके अगले दिन 17 तारीख को ग्वालियर पहुँचे, जहाँ मैंने अजय गौंड को दिखाया। अजय जोड़ को दिखाने के बाद पुनः जांचें हुई जिसमें सीटी, आईवीपी, अल्ट्रासाउंड हुआ, जो कि जांचें सामान्य पाई गई। वहां से आने के बाद मैंने इस संबंध में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को आवेदन दिया और दो बार जनसुनवाई में आवेदन दिया और श्रीमान कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया, लेकिन 26 तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम बाप बेटे दोनों दर दर भटक रहे हैं और टीकमगढ़ से हमें सिर्फ न्याय चाहिए इसके लिए। कहाँ कहाँ आपने शिकायत की? इसमें शिकायत मैंने दो बार जनसुनवाई में दिया, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को आवेदन दिया और श्रीमान कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आवेदन एक आया हुआ है वीरेंद्र सूत्रकार के द्वारा दिया गया है, उसमें उन्होंने बोला है कि मेरे बच्चे की रिपोर्ट गलत जाँच की गई है। तो वो हमने उस रिपोर्ट को पहले हमने जिला अस्पताल भेजा था, लेकिन वहाँ से कहा कि वो चूँकि यहाँ कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं है तो वो अब जो है हमने उसे दतिया हॉस्पिटल भेजा है जहाँ रेडियोलॉजिस्ट है, तो उनका मतांकन आ जाए उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे कि क्या है, रिपोर्ट सही है कि गलत है। तो नहीं, देखिए हमारे वैसे जो लेवल का होता है वो ये है कि हमारे पास PCPNDT का वो रहता है, तो PCPNDT में क्या है कि अगर कोई सेक्स से संबंधित, डिटर्मिनेशन से संबंधित कोई सोनोग्राफी वाला अगर उसमें गलत पाया जाता है तो कार्रवाई करने का रहता है, लेकिन यदि उसके द्वारा कोई रिपोर्टें गलत की जा रही है या कुछ है तो हितग्राही उपभोक्ता फॉरम में उसके खिलाफ आवेदन कर सकते हैं।